आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर टेक्निकल कोस्टर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड टेक्निकल कोस्टर के साथ बने रहिए टेक रिलेटेड एंड स्मार्ट न्यूज के लिए। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि थंबनेल में जैसा आपने देखा कि स्टूडेंट्स लॉकर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक्चुअली सब लोग यूज कर सकता है एंड हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये एप्लीकेशन है। तो चलिए प्ले स्टोर में जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है डिजी लॉकर, DIGILO। देखिए यहाँ पर आ गया और कुछ टाइप करने का जरूरत नहीं। देखिए डिजी लॉकर ए सिंपल एंड सिक्योर डॉक्यूमेंट वॉलेट। सो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो गया, ये आप देख सकते हैं। एंड 4.2 स्टार रेटेड एप्लीकेशन है, 14 MB इसका साइज है। सो यहाँ पर आप डेवलपर को देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एप्लीकेशन है एंड आप लोग इसे ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर सेफली रख सकते हो एंड जरूरी सिचुएशन में आप लोग ये डिजी लॉकर में जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग सेव करके रखा हुआ से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो एंड किसी को भी देखा सकते हो। तो ये बहुत ही पॉपुलर एंड सिक्योर एप्लीकेशन है, आप जरूर यूज़ कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि अभी डिजिटल ज़माना है और कितना दिन आप लोग हाथ में अपना डॉक्यूमेंट्स लेके एंड बड़ा बड़ा फाइल लेके घूमोगे। एंड बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपका जो कुछ डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो खो सकता है एंड खो भी जाता है। सो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है फिर से वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, इधर उधर जाके ठोकर खाना पड़ता है। तो इसके लिए सब डॉक्यूमेंट का स्कैन करके स्कैन कॉपी आप डिजी लॉकर में सेव रख सकते हो एंड किधर भी जाओ, कुछ इंटरव्यू और आपका ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस पेपर्स एंड आपका जमीन का जो कागजात है, जैसा भी पेपर्स हो, सब डॉक्यूमेंट्स को आप सिंपली सेव रख सकते हो सिक्योरली डिजी लॉकर एप्लीकेशन में। सो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। सो इंस्टॉल करने के लिए कुछ तो टाइम जाएगा, मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। सब्सक्राइब टेक्निकल कोस्टर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया एंड ओपन करता हूँ। चलिए ओपन पे क्लिक किया, अभी क्या आएगा, ये देखो ऐसा आ गया, पोर्टेड वर्जन में आ गया। तो आप लोग ठीक से देखो क्या करोगे। यहाँ पर डिजी लॉकर एंड यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है, एक्सेस डिजी लॉकर, तो एक्सेस देना पड़ेगा। तो एक्सेस के लिए यहाँ पर कुछ सेटिंग तो सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप अगर एग्जिस्टिंग यूज़र हो, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो आप लोग। नहीं तो आप लोग पहली बार यूज़ कर रहे हो तो क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। आप लोग क्रिएट अकाउंट में क्लिक करोगे, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करने के लिए यहाँ पर देखो आधार नंबर देना पड़ेगा। सो आधार नंबर सिक्योरली यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, आधार नंबर देने के बाद मेरा जो सिक्योर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा। तो कोड आने के बाद यहाँ पर OTP, मतलब वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो वन टाइम पासवर्ड को यहाँ पर देना पड़ेगा। तो वन टाइम पासवर्ड मैं चेक कर लेता हूँ ये आया कि नहीं, आप लोगों को भी इसी तरह से करना पड़ेगा। हाँ जी, OTP आ गया, तो OTP सिक्योरली यहाँ पर दे देता हूँ। सो देखो दोस्तों, OTP देने के बाद यहाँ पर ये ग्रैंट हो गया है एंड उसके बाद यहाँ पर शो कर रहा है सेट योर 6-डिजिट पिन फॉर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू योर डिजी लॉकर अकाउंट। यहाँ पर आप खुद से चूज करो कौन सा 6-डिजिट पिन दोगे, तो ये सिक्योरिटी के लिए ये पासवर्ड जैसा काम करेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर 6-डिजिट पिन दे दिया, उसके बाद डन पे क्लिक करना है। सो ये ओपन हो रहा है।
सो देखो दोस्तों, डिजी लॉकर का जो यूज़र इंटरफेस है वो इसी तरह से शो करेगा। यहाँ पर मेरा नाम सब कुछ यहाँ पर लिखा है, ऊपर में वेलकम मेरा नाम लिखा है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, इनकम टैक्स सब यहाँ पर है। तो आपका इशूड डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली शो कर देगा। तो यहाँ पर देखो नीचे थ्री बटन से आप लोग देख सकते हैं, नीचे थ्री बटन से होम, इशूड डॉक्यूमेंट्स, ब्राउज। सो यहाँ पर होम पेज सिलेक्टेड है, ये होम पेज है। एंड इशूड डॉक्यूमेंट्स पे अगर डॉक्यूमेंट पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो आधार शो करता है कि नहीं, कौन सा इशूड डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो करेगा। सो देखो यहाँ पर आधार कार्ड, आधार कार्ड। सो ये आधार कार्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया, इसको अलग से डालने का कोई ज़रूरत नहीं, सेव करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण मैं यहाँ पर आधार कार्ड क्लिक नहीं कर रहा हूँ, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर ब्राउज में जाके आप और भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर स्कैन करके और ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो बहुत सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हैं, एजुकेशन पर्पस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कागजात है सब कुछ यहाँ पर आप सेव रख सकते हो। सो ये तो था सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस एप्लीकेशन। अब चलो क्या क्या सेटिंग है, अब चलो क्या क्या सेटिंग्स है, सेटिंग में क्या क्या आप सेट कर सकते हो, कैसे सेट करोगे। सो यहाँ पर थ्री लाइन्स है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। थ्री लाइन पे क्लिक करने से क्या आएगा, देखो इशू डॉक्यूमेंट्स, ये तो अभी मैंने दिखा दिया, तो ये तो हो गया। उसके बाद अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत पहले भी मैं इंस्टॉल किया था लेकिन कुछ भी अपलोड नहीं किया यहाँ पर। मैं गूगल ड्राइव यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी शायद गूगल ड्राइव और ऐसा कुछ यूज़ करते हो। ये एप्लीकेशन तो बहुत ट्रस्टेड एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। सो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल डिजिटल लॉकर है। सो उसके बाद देखता हूँ क्या है, स्कैन क्यूआर कोड। सो दोस्तों, क्यूआर कोड में क्लिक करने से यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर लिखा है कि यूजिंग दिस स्कैनर यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड ऑन सर्टिफिकेट्स अवेलेबल थ्रू डिजी लॉकर। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर अप्रूव्ड है उस डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर में सेव कर सकते हो। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो बैक में जाते हैं, देखता हूँ और क्या है ऑप्शन। उसके बाद देखो प्रोफाइल, प्रोफाइल में क्लिक करके आप अपना जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर ठीक से दे सकते हो। तो ये आप जैसा भी चाहो आप सेट कर लेना। उसके बाद अबाउट है, अबाउट में क्लिक करने से ये डिजी लॉकर का जो डिटेल्स है, एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। ये जो एप्लीकेशन वर्जन है 6.2.3 है, एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप डिजी लॉकर से कुछ भी गलत हुआ तो। तो एंड अबाउट डिजी लॉकर, ये नो मोर में क्लिक करके आप डिजी लॉकर के रिलेटेड बहुत कुछ जान सकते हो। उसके बाद देखो सेटिंग, तो सेटिंग में जाते हैं क्या देखता हूँ। देखो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप एम पिन सेट कर सकते हो। सो एम पिन में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर 4-डिजिट पिन देना पड़ेगा। ये एक्चुअली आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, हर बार आप ये एप्लीकेशन ओपन करने से पहले ये 4-डिजिट पिन देना पड़ेगा। सो ये करने से आपका जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर का सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इसे कैंसिल कर देता हूँ, आप ये ज़रूर सेट कर लेना। उसके बाद देखो क्या है, शेयर, आप किसी को भी आपका फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो ये एप्लीकेशन को, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है। तो उसके बाद हेल्प, आप कुछ भी दिक्कत हुआ तो ये एप्लीकेशन यूज़ करने से आप हेल्प में जाके डेवलपर से हेल्प मांग सकते हो। उसके बाद देखो लॉग आउट, तो आप एम पिन सेट कर दीजिएगा एंड उसके बाद आपको लॉग आउट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप या बेल आइकन में क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर शो करेगा, डिजी लॉकर रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन हुआ तो यहाँ पर बेल आइकन में शो करेगा। तो ये डिजी लॉकर एप्लीकेशन में आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सेव करना चाहो तो क्या कैसे करोगे, थ्री लाइन में क्लिक करो, उसके बाद अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करो, उसके बाद ऊपर देखो एक सिंबल शो कर रहा है, ये सिंबल, ठीक है, आप देख लिए अपलोड, देखो यहाँ पर क्या आया अपलोड। यहाँ पर क्लिक करके आप कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर स्कैन करके सेव कर सकते हो और डायरेक्ट गैलरी से सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर अपलोड में क्लिक करने से क्या आएगा, देखो अलाउ करने के लिए बोल रहा है, अलाउ कर दो। तो फाइल्स,
कंटेंट फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कंटेंट फ्रॉम अदर एप्लीकेशन में क्लिक करने से यहाँ पर मेरा जो गैलरी है, यहाँ पर जो फाइल्स है सब शो कर रहा है, एंड यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करके आप डिजीलॉकर में सेव कर सकते हो। एंड अगर आप फाइल्स में क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका जो स्मार्टफोन में फाइल्स है सब इंडिविजुअल फाइल्स यहाँ पर शो करेगा। एंड किसी फाइल में अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रहा तो जैसे कि DCIM ये कैमरा के रिलेटेड सब फोटोस यहाँ पर शो करेगा। एंड यहाँ पर किसी भी फाइल में क्लिक करके आपका जो ज़रूरत का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आप डिजीलॉकर में ला सकते हो या पर सिंपली सेव कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जरूरीकालीन सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि कुछ भी दिक्कत हुआ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो आपको फाइल लेके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके घूमने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली डिजीलॉकर में जाओ, उसके बाद यहाँ पर जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेव करके रखा है, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उस डॉक्यूमेंट को आप ले सकते हो। एंड चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, किसी को भी दिखा सकते हो। आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ज़मीन का कागजात एंड कुछ भी डॉक्यूमेंट जो आपने डिजीलॉकर में सेव करके रखा काम में लगा सकते हो। सो दोस्तों, आई थिंक आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप लोग ज़रूर डिजीलॉकर को डाउनलोड कर लो, एंड जैसे मैंने शो किया आप लोग ज़रूर लॉगिन करके अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लो। एंड ये फ्यूचर में आपको बहुत काम में आने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद दोस्तों।